रुको। क्या नाम है आपका? नीलकंठ दुबे। नीलकंठ जी, क्या करते हैं आप? पेपर बेचते हैं, समाचार, दैनिक भास्कर। अच्छा, और कौन-कौन से पेपर हैं आपके पास? दैनिक जागरण है, स्टार समाचार है, दैनिक भास्कर है और मध्य प्रदेश जनसंदेश है। अच्छा, ये पेपर कहाँ से कहाँ तक भेजते हैं आप, कहाँ से कहाँ ट्रेन में? हो गया अपने घर रीवा से सतना, इंटरसिटी सुबह से आते हैं और इससे ताके रहते हैं, इसमें बिकेगा तो इससे चले जाते हैं। आपकी उम्र अभी पढ़ने वाली है, लेकिन आप इस उम्र में पेपर बांट रहे हैं, पेपर बेचते हैं, क्यों बेच रहे हैं? आप कुछ मजबूरी है इसलिए बेचते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए कुछ आवश्यकताएं उन्हें पूरा करने के लिए काम करना पड़ते हैं। हमारे पिताजी नहीं है, खत्म हो गए, मम्मी है हमारी। अभी हमारा प्रशांत दुबे हमारा भाई है, जिसका परसेंट 96 आया है, उसका रोल नंबर 17 32 46 209। और एक और भाई है जिसका नाम है आशुतोष दुबे, जिसका आया है 83%, उसका रोल नंबर है 17 32 46 212। और अब हम इस साल छठवीं में जाएंगे, तो हम अपनी पढ़ाई के लिए इसको बेचते हैं, 5300 रुपये कमा लिए हैं। कुछ हो जाएगा तो अपने स्कूल की 350 लगती थी पर साल, इस साल शायद अधिक लगे। और कोई हमको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, क्योंकि हम समान वर्ग में आते हैं, लेकिन हम अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं, इसलिए आज हम 95% लाकर स्कूल में गौरव बढ़ाया है। अच्छा, तो पिताजी का देहांत कब हो गया? बहुत छोटे थे, 3-4 साल थे, भाई बड़े थे। अच्छा, 4 साल थे, नहीं हमको इतना पता नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब आप काफी छोटे रहे होंगे, तो कुछ मतलब कभी ऐसी बात नहीं हुई कि सरकार से या प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ जिला का जो कलेक्टर है, रीवा जिले में कलेक्टर है, उनसे कोई स्कॉलरशिप? कोई बात करने वाला नहीं है ना, कौन बात करेगा। लेकिन वहाँ मेरे भाई को गोद ले लिया गया, जिसका 96% आया है। अच्छा, उसको पढ़ाया जाएगा। दूसरे भाई का 83 आया, तो उसको कुछ नहीं दिया। अच्छा, एक भाई को तो ठीक है, वो पढ़ लेगा, सरकार पढ़ाएगी। सब स्कूलों से उसको बुलाते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ो फ्री में, हमारे में, हमारे में। बहुत लोग आए थे, किताब भी दे गए हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक सज्जन आपसे पूछ रहे थे कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो आपने उनको जवाब दिया कि यदि मैं आप सवाल कर सकते हैं, यदि आपको शक है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बेफिका सवाल कर सकते हैं, जो आपको मर्जी हो सवाल कर सकते हैं, 10वीं तक के सवाल कर सकते हैं। हम आपके अपने भाई की पूरा एकदम राजधानी जो है, अपने मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कहाँ क्या स्थित है, राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश मतलब पूरे देश की समाज विज्ञान का, इतिहास विज्ञान का क्या, रासायनिक का विज्ञान पूरा, जो मानव पर्यावरण सब जो पूछ सकते हैं आप, जो पूछना है आपका। मैं इंग्लिश बार थोड़ी कमजोर है और सब विषय, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैथ या इंग्लिश में कुछ कमजोरी हो सकती है, वरना आप पढ़ते छठवीं में हैं और 10वीं तक के सवालों के जवाब देने का कॉन्फिडेंस आप में है। हिंदी, समाज विज्ञान, विज्ञान, ये मतलब चार, संस्कृत, ये चार विषय की हम 10वीं तक का पूरी अपने हिम्मत के साथ आप कुछ भी पूछिए उसका जवाब बेफिक्र देंगे। केवल गणित, इंग्लिश अपने छठवीं बस का देंगे, उसको नहीं थोड़ा लह पाती, क्योंकि उस तरफ बहुत कठिन सवाल रहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि इस राज्य में बच्चों को शिक्षा के लिए महरूम नहीं रहने दिया जाएगा, तो क्या आप शिवराज सिंह चौहान जी से, जो कि मामा भी कहते हैं कि मैं सबका मामा हूं और कई सारी योजनाएं उन्होंने लागू भी की हैं, तो क्या उनसे आप कोई अपील इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं, शिवराज जी आपके जो मुख्यमंत्री हैं? क्या अपील करें, वो तो शिवराज सिंह चौहान खुद है, कुछ नहीं कर रहे हैं, किसानों को इतना अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए कुछ कर सकते हैं, यदि शिक्षा के लिए आप चाहते हो कि हम मुझे कर सकते हैं, मैं एक अकेला नहीं हूँ कि जो हमारे साथ गुजर रहे हैं, यहाँ लाखों बच्चे एमपी में ही अपने 51 जिलों में कितने बच्चे हैं। हमारी बुराइयाँ नहीं, हम अपनी नहीं कह रहे, शिवराज सिंह चौहान से कह रहे हैं हमारे जैसे बच्चों की ऐसी तकलीफ को दूर करें, पता लगाएं कि कौन बच्चे कैसे गुजर रहे, यही बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनने वाले।